नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फिनिटी नॉलेज में। तो दोस्तों, अमेरिका की साइड से कल ईरान पर एक बहुत ज्यादा भीषण हमला किया गया है, और ये हमला कहाँ पर हुआ है आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की सत्ता संभाली थी तो डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया से अपने सैनिकों को वापस बुलाना स्टार्ट कर दिया था। ऐसे में सीरिया में ईरान और रशिया का दबदबा बढ़ता ही जा रहा था। इराक में भी अमेरिका के कुछ सैनिक तैनात हैं, तो ईरान बार बार अमेरिका के सैनिकों पर ड्रोन से हमला करने की कोशिश कर रहा था। और जब से ये न्यूज़ निकलकर सामने आई थी कि सीरिया से अमेरिका अपने सैनिकों को निकालने वाला है, इसी के चलते ईरान ने वहां पर अपना एक स्टोरेज हाउस भी बना लिया था, जिसमें वहां पर ईरान के अच्छे से अच्छे हथियार भी रखे जाते थे। लेकिन अमेरिका की साइड से कल इस स्टोरेज हाउस पर हमला हुआ है, तो ऐसा लग रहा था कि ईरान इसका कोई रिटेलिएशन नहीं करेगा। ऐसा इसलिए है दोस्तों, क्योंकि ईरान चाह रहा है कि अमेरिका से न्यूक्लियर डील हो जाए, और ऐसे में अमेरिका को भी लग रहा था कि ईरान की साइड से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड की साइड से इस हमले को अंजाम दिया गया है, और ये ईरान के एलिट कमांडो फोर्सेस होती हैं। और अगर आपको कहीं भी विद्रोही दिखाई देंगे तो आप समझ जाइए कि ये ईरान की एलिट कमांडो फोर्सेस हैं, और ये ज्यादातर यमन, सीरिया और इराक में अधिकतर पाए जाते हैं। लेकिन अमेरिका फिर से सीरिया में एंट्री वापस करना चाहता है, और सीरिया के एरिया में दोबारा से फिर अपना दबदबा कायम करना चाहता है। लेकिन ईरान की साइड से जितने भी रॉकेट दागे गए थे, उन्हें अमेरिका के डिफेंस सिस्टम ने 100% एक्यूरेसी के साथ रोक दिया है, और अमेरिका की साइड से इन सभी विद्रोहियों की कमर पूरी तरीके से तोड़ दी गई है। लेकिन इस हमले का जवाब देने के लिए अमेरिका दोबारा से फिर तैयार हो गया है। ऐसे में ऐसा लग रहा है कि जल्द ही अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध देखा जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।